सिद्धार्थनगर के लोटन ब्लॉक कैंपस पर गौवंश ने कब्जा जमा रखा है। पूरे कैंपस में जहां नजर जाती है वहां गौवंश ही नजर आता है। ब्लॉक कैंपस में गौवंश ने जहां तहां गोबर कर रखा है। कैंपस में रहने वाले कर्मचारियों को शक है कि इन गौवंशों को रात के अंधेरे में कोई यहां छोड़ गया। बताया जा रहा है कि आसपास के खेतों में ये गौवंश किसानों की फसल को चट कर रहे थे। इसे परेशान होकर लोगों ने इन गौवंशों को ब्लॉक कैंपस के अंदर लाकर छोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर कोई भी ग्रामीण कुछ भी नहीं बोल रहा है। साथ ही ब्लॉक के कर्मचारी भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल यहाँ एक गौशाला नदी के किनारे बनाई गई थी जहाँ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इससे डर कर गौशाला के कर्मचारियों ने इन गौवंशों को छोड़ दिया था। जैसे ही गौवंशों को खुले में छोड़ा गया उन्होंने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तंग आकर किसानों ने ब्लॉक कैंपस में ही इन्हें लाकर छोड़ दिया। अब ब्लॉक कैंपस में गायों के खाने का कोई इंतजाम नहीं है। इससे गौवंशों की हालत बिगड़ रही है। अब इस मामले को मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गौवंशों को आसपास के गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा। ये भी प्रकरण संज्ञान में आया था कि गाय की अधिकता के कारण वहाँ पर ये इशू आया था और ब्लॉक पर लोगों ने आकर इसकी हम लोगों को भी अवगत कराया है, जिसके चलते हम लोगों ने जो आसपास के दो ब्लॉक्स थे उसके भी वीडियोस को इसमें लगाया है और उसे साथ में एक संयुक्त रूप से एफर्ट करते हुए प्रयास हमारा ये है कि जो अभी हमारे पास जो छुट्टा पशु हैं उनको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उनको किसी उचित आसपास के जो ब्लॉक्स के लोगों को मैंने लगाया है। इसमें बर्डपुर में भी वीडियो को हमने निर्देश दिए हैं कि अपनी गौशालाओं में छुट्टा पशु को कोई इनकन्वीनियंस ना हो और उनके रहते स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उनको अभी वर्तमान में एडजस्ट कराया है। बाकी लोटन में जो बड़ी गौशालाएँ हैं उन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उसमें यदि कोई परेशानी है तो उनको ठीक करा कर वापस जो पशु हैं जो नए बच रहे हैं जो और हमें अतिरिक्त रूप से मिलते हैं उनको एडजस्ट कराया। ये हाल तब है जब योगी सरकार ने गायों की देखभाल के लिए सेस लगाया है। सरकार 0.5% सेस एक्साइज आइटम पर, 0.5% सेस यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से लेकर 2% मंडी परिषद की ओर से सेस वसूल रही है। इन पैसों का इस्तेमाल गौशाला बनाने और पशुओं के देखभाल के लिए खर्च किया जा रहा है। योगी सरकार ने आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 1000 अस्थायी गौशालाएं बनाने का ऐलान किया था, लेकिन आज भी आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। ऐसे में योगी सरकार को जवाब देना चाहिए कि सेस के तौर पर वसूले जा रहे पैसे आखिर कहां खर्च हो रहे हैं। पंजाब के सिरी टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट।